अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है ग्रीन शेफ फूड्स। चलिए आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है नमक पारे। वो कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या क्या सामग्री लगती है, मैं भी आपको डिटेल में बताती हूँ। चलिए देखिए, यह है मैदा, क्योंकि नमक पारे में मैदा, अजवाइन, ज़ीरा, तेल, नमक और पानी, ये तो सबको मालूम है पानी लगता है। तो अब ये कैसे बनाते हैं मैं भी आपको बताती हूँ। हाँ, मैंने ये मैदा ली हूँ एक प्याली। आप कितना भी लीजिए मैदा, एक पाव किलो का बनाइए, आधा किलो का, जितने भी आपकी समझ में है वो हिसाब से आप बनाइए। ये तो मैंने मैदे का आटा लिया। अगर आप मैदे का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप रवे का भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मज़ेदार बनते हैं मैदे के। तो ये मैंने ली हूँ एक प्याली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए एक प्याली ली हूँ। अब इसमें हम अजवाइन, ये आधा चमची अजवाइन है, तो इसको क्रश करेंगे हाथ से। और थोड़ा ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा और अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक थोड़ा डालेंगे आधा चम्मच, और इसमें डालेंगे तेल। तेल इसमें मैंने तो अपने हिसाब से ली हूँ, इसमें डालूँगी मैं 3 चम्मच तेल, 2 और ये 3। अब इसको मिलाते हैं, इसको धीरे धीरे करके मिलाना है इसको। और ये जब मिला लेते हैं, मिलाने के बाद आपको ये भी तभी ध्यान रखना चाहिए कि मिलाने के बाद अगर इसमें तेल कम लगे तो आप इसमें और भी तेल डाल सकते हैं, जैसे अभी आपको बताती हूँ। ये मिलाने के बाद ये जो है ना आटा पूरा ऐसा मिलना चाहिए, अभी ये नहीं मिल रहा है, तो अभी मैं इसमें और थोड़ा तेल डालूँगी। मैं आपको बताने के लिए तेल इसमें कम यूज़ की हूँ कि आप लोग देख लीजिए। ये देखिए अब बन रहा है, तो ये ऐसे बनना चाहिए। अगर वो ये ऐसे मिलाने के बाद अगर हमारा आटा गिर रहा है नीचे तो समझो तेल इसमें कम है, तो फिर आपको इसमें और थोड़ा तेल डालना पड़ेगा। चलिए देखिए हमारा आटा रेडी हो गया है। इस तरीके का आटा हमको चाहिए ऐसे। अब इसको ज़रा 1 मिनट के या 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको मल देंगे। ये हो गया रेडी। अब इसमें हम तेल लगा के रखेंगे। ये हो गया रेडी। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसको कम से कम 10 से 15 मिनट हम ढक के रख देते हैं। चलिए देखते हैं, 15 मिनट हो गए हमारे आटे को। अब इसको और थोड़ा सा, देखिए टाइट हो गया, इसको थोड़ा सा मल देंगे, मालिश कर देंगे अच्छे से। आधा कर देंगे और उसका गोले बनाएंगे। थोड़ा बड़ा मतलब बेलेंगे इसको, क्योंकि इसको कटिंग करना है ना, तो हिसाब से इसको थोड़ा बड़ा ऐसे। अब इसको बेलेंगे। इसको हल्के हाथों से बेलेंगे और रोटी के जैसा पतला नहीं करने का है, ज़रा मोटा ही रखेंगे, क्योंकि नमक पारे थोड़े मोटे होते हैं।
चलिए देखिए, इसको इतना रोटी से ऐसा मोटा रखना है, ये सब मोटा, ये हमारा बिल चुका है। अब इसके हम कटिंग करेंगे, और नमक बारीके से पतले पतले होते हैं। चलिए देखिए, सब रेडी हो गए। अब ये है एक एक करके, ये तो छूट जाते, तेल में भी छूट जाएगी ये। चलिए देखिए, हमारा तेल भी गर्म हो गया है और मैंने गैस का फ्लेम स्लो रखी हूँ। अब एक एक करके, पहले स्टार्टिंग में दो तीन डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको कब तक तलना है? जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि डार्क ब्राउन कर देंगे तो जब हम निकालेंगे थोड़ी देर के बाद में और उसको डार्क हो जाते हो, इसलिए ज़्यादा डार्क वाले ने लाइट ब्राउन कलर में हमको निकालना है। इसको स्लो आंच पे तलना है। हमें ऐसे ही चाहिए, देखिए हल्के लाइट ब्राउन कलर, क्योंकि अभी ये बाहर निकाल के थोड़ी देर रखेंगे ना उसको, तो इसका कलर डार्क हो जाता है, और डार्क कर देंगे तो और डार्क हो जाता है, फिर खाने में टेस्ट नहीं आता है, इसलिए हल्के लाइट ब्राउन करके इसको निकालेंगे प्लेट। चलिए देखिए, हमारे नमक पारे की रेसिपी तैयार हो गई है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।